एक गाय बची, एक गाय उसमें पानी पड़ी। खूनी खून दिखाई दे रहा है रेलवे ट्रैक पे। ना चले को नहीं का। ये मरी हुई गौ माता का ढेर जो लगभग 1:30 बजे कोई भी मालगाड़ी यहाँ को गुजर रही थी और ये गौ माताएं यहाँ से रेलवे लाइन पर अपना गुजरी थी। अचानक करीब 20-25 गायें रेल लाइन के ऊपर चुग रही थी, अचानक रेल आई, सभी इसी के अंदर हादसे का शिकार हो गई। इधर भी 2-3 गायें यहाँ भी रेलवे लाइन के हाथ से शिकार हुई पड़ी हैं। ये गायों को यहाँ पर दफनाया जा रहा है। ये रेलवे विभाग द्वारा किधर का है? रेलवे ग्रामीण नहीं, ग्रामीण है सारे जी। ग्रामीण कौन से गांव से? हसन कला से। हसन कला से पंचायत के या कोई गौ भक्त हैं? वासी है, समाज सेवा है। रेलवे पे आकर कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ पे? आया है। कहाँ है? गाय शिकार हुई है इसके, कोई बची भी है? हाँ जी, वहाँ पर अभी लेके गए। अच्छा, एक बची है? एक बची। अच्छा, कितनी थी ये वैसे? टोटल ये 17 थी। 17? हाँ जी, एक हाफ साइड में। अच्छा, तो डेड हो गए कुछ, हमने यहाँ पर एक गांव वालों के साथ दबवाए हुए हैं यहाँ पर। तो रेलवे पे आकर कोई अधिकारी आया है? हाँ, आप रेलवे से हैं? आप रेलवे से हैं या मेडिकल अलग? एनिमल से। अच्छा अच्छा, हाँ रेलवे से आए हुए, वहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ आए हुए थे तो उन्होंने भी आके पता किया। क्या नाम है सर आपका? मेरा डॉक्टर रविंदर पुलिया। ठीक सर, थैंक यू। अभी अभी आज़ाद आर्य जी प्रदेश गौशाला के प्रवक्ता पहुँचे हैं। यहाँ आया ब्रेक लगा। कैसे कैसे हुआ था? वहाँ से गाड़ी आई जी, वहाँ से। अच्छा, उन्होंने 3-4 बार रोन दिए, इससे सारी गायें फटक गई। सारी गायें फटक दी, सारी जितनी भी तुम्हें इस पाई ट्रैक पर, ट्रैक पर आते ही उसने ब्रेक नहीं मारे ड्राइवर। जी जी, आधे किलोमीटर तक सारी गायों को ऐसे ही ग्रसित कर लाया। ठीक ठीक, जबकि रेलवे के रेल के नीचे से हमने खुद गाय निकाले यहाँ पर। अच्छा, रेल, हाँ रेल के नीचे ये वाले गली है, रेल के वो मेरे पास वीडियो है, रेल को रेल के नीचे पहिया के नीचे गायें मरी हुई पड़ी हैं। बिल्कुल, हाँ पड़ी हुई 4 गायें तो बिल्कुल रेल के आगे, इंजन के आगे से निकाली गई हैं। ठीक ठीक, जिनके 2 बछड़ू थे जो उनके कोक मत आपने देखे होंगे, दिखाई वीडियो में, 2 जिंदे थे, मैं गौशाला में पहुंचा दे रहे, गाय जिंदा है, वो गौशाला में सारी पहुंचा दी हमने। ठीक, क्या नाम आपका? विनोद जी। कहाँ से हो? आसन गाँव से। ठीक जी, थैंक यू जी। से इसी समय हम कुछ बात करेंगे। छोटा सन का है ना जी, पूछ ले। सर नमस्कार जी। सर ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इसमें कहीं कहीं अनियमितताएं हैं या कुछ कुदरत का दे मतलब हादसा है ये? साफ देखने से लग रहा, क्योंकि साफ जगह है, अगर ट्रेन ड्राइवर चाहता तो गायें को बचा सकता था, क्योंकि दूर तक देख रहे आप बिल्कुल साफ है पटरी, कोई मोड़ नहीं है, ढूंढ नहीं है, मालगाड़ी थी तो ये सीधी सीधी ड्राइवर की लापरवाही है। हमने रेलवे को पहले भी कई बार ये किया है भाई, जहाँ बस्ती है ऐसी जगह है रेलिंग करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पशु आम पशु भी आ जाते हैं, ये तो गाय माता थी, गाय तो समझदार होती है, अगर वो हॉर्न बजाता कोशिश करता तो गाय बच सकती थी। ये कह रहे हैं जी कुछ ग्रामीण भाई, हॉर्न से बजाने से ही गायें फटक के जो है लाइन पे आई हैं। 7 साल पहले भी 24 गायें इधर कटी थी, उस समय भी हमने
जो रेलवे प्रशासन को सचेत किया था कि भाई यहाँ रेलिंग होनी चाहिए, क्योंकि इतनी दूर से आप देख रहे हैं सामने पटरी दिख रही है, अगर ट्रेन ड्राइवर चाहता तो बचा सकता था।